नहीं काका तुम्ही चांगला बेस करला, तू फसेगा लेके क्या करू, बेस करके रखा है गाड़ी को। मैं आपको किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये देख चाबी लिया मैं, 1000 रुपए भर तो कसांग लवकर, मी तेरे गांड की उसी कितना काला है। सो हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग, तो यहाँ पे हो चुका है हमारा, अभी फ्यूल ऑफ हो रहा है गाइस, देख सकते हो हमारी टैंक फुल हो रहा है भाई। यहाँ देखो यार गाइस, यार इसका कौन कौन पहचान यार, एक बार कमेंट करके जरूर बता नाम। तो ये अपने भाई है जो इनमें काफी वायरल हुए थे, तो चलो चलते हैं। तो आज की हमारी राइड है गाइस यार त्रिंबकेश्वर की, तो आगे मीटिंग में जो भाई लोग वेट कर रहे हैं, फिर चलते फटाफट से। और देखो हमारी टैंक कितने फुल होते हैं, यहाँ देख सकते हो अभी और आएगा थोड़ा, और यहाँ पे अपने भाई लोग पहुँच चुके हैं हमारे मीटिंग पॉइंट पे, आज हर वाले सब लोग जा रहे, इतने लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे पीछे भी अपने भाई लोग। तो अभी बाकी के भाई लोग हैं अपने जवार में, वहाँ पे देखते हैं कितने लोग आते हैं, तो चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। 2000 years later यहाँ पहुँच चुके हैं जवार में, और अभी यहाँ पे भी अपने थोड़े भाई लोग आ रहे थे, क्योंकि इतने भाई लोग आ चुके हैं, ये दो भी आ गए, तो अपना ए और दो तीन भाई लोग आ रहे, तो लोग की वेट करते हैं, फिर 5 मिनट में चाय वाय पी के यहाँ से निकलते हैं। बनी है तो बेचारे भगा नहीं पा रहे, बहुत दुख हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई गियर चैलेंज कर रहे हैं तो भाई रो पड़ रहे हैं, ऐसा मत करो मेरी जान। मैं देख सकते हो अपने सारे भाई लोग आ चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और चलो चलते भी आपको दिखाते आज की राइड कैसी रहती है। बहुत टाइम बाद ये रूट पे आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, और चलो आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यार बारिश में जो ग्रीनरी हो जाती है तो बाइक चलाने में जो मज़ा आता है ना भाई साहब, क्या ही कहना। अरे भाई ये कौन आगे ट्रिपल सीट देख सकते गाइस, R15 पे ट्रिपल सीट चल रहे भाई, क्या ही कहना। और यार यहाँ के जो काउंस है ना भाई साहब काफ़ी बढ़िया, हम लोग पहले इधर कॉर्नरिंग करने आते थे भाई लोग के साथ, एकदम मोटो जीपी वाली फील आती थी। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो काफ़ी प्यारा कॉर्नर, और ये सारे अपने भाई लोग जा रहे देखो। चलो अपने ग्रुप के सारे बंदे ने अभी भी पीछे 3-4 और बाइक्स आ रही है, बट चलो जल्दी आगे अपने। और यार बारिश में यार इतनी सारी ग्रीनरी देख के यार दिल खुश हो जाता है। और गाइस ये जो आगे चल रहे अपने भाई लोग, ये लोग आए अपने थाने साइड से, काफ़ी दूर से अपने ग्रुप को ज्वाइन किया है, और एक अपना भाई आया वो भी थाने साइड से ही आया है। तो यार थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतने दूर से आ रहे हो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, क्या ही कहकर सारे भाई साहब एक नंबर बजा रहा है। और यार अपने भाई लोग तो क्या तगड़ी कॉर्नरिंग करते हुए गए हैं ना, और कैसा कि अपने बाइक का इंजन अभी भी बना है, तो यार उसके वजह से मैं भगा नहीं रहा बाइक, ओनली 80-90 बस, इससे ज़्यादा निपटे वाले चले गए यहाँ से। कॉन्सर की राइडिंग कुछ अलग रहती है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है। और सामने देखो और अपने भाई लोग सामने ये देखो, चलो फटाफट से चलते हैं। डबे के पीछे बट यहाँ पे साफ साल इसलिए हम लोग नहीं जाएंगे, भी हमारे 2-3 व्लॉग में आपको नाइस स्टंट्स दिखेंगे, कुछ नहीं खाली नॉर्मल और राइट स्टंट्स, और आपको एक्सप्लोर मिलेगा ठीक है गाइस, खाली और 2-3 व्लॉग खाली वेट कर दीजिए, उसके बाद धड़ाकेदार स्टंट्स करेंगे गाइस। और यहाँ पे हम लोग को रोक लिया पुलिस वालों ने गाइस, है ना। रोकना रे बाबा, बुलाए उन लोगों को फोन करके बुलाना, किसको वो क्या नाम है रोडल, दूसरा नंबर नहीं मेरे पास। देख मैं आपको किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये देख चाबी लिया मैं, बुला
नंबर एक किसी का बुला मैं का साइड में लगा उधर वो थ्रोटल का फोन करना बुला ना भाई तेरी गाड़ी के ऊपर नंबर नहीं है नंबर नहीं है प्रूफ भी खटा तेरी इनकी भी चाहिए है तेरी भी चाहिए मेरे को चलो नहीं आती गाड़ी मैं इधर ही हूँ हेलो आगे क्या बताएंगे ऐसा नहीं होता ना उनको बुलाया कि नहीं बोलो तो नंबर था अरे उनको बुलाया कि नहीं तो ये रहता ना ये रहता बुला ले आपको सबको जाने दूंगा मैं उनको पकड़ूंगा क्या करेगा बोला कुछ नहीं ना तो मेरा गाड़ी का निकल लेना तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग को पकड़ लिया पुलिस वालों ने तो सीन हो गया यहाँ पे तो अभी देखते हैं कैसा सीन है कितनी फाइन होना तुम्ही सांगा अरे काका काय यार तुम्ही नंबर प्लेट नाही तर 5,000 रुपये नंबर प्लेट खाली नंबर 1,500 रुपये फाईन नाही ना अरे तो तुमचा प्रॉब्लेम पुढचं ऐकलं पाहिजे ना जसं कोर्टामध्ये गेला त्याने ऐकलं पाहिजे तुम्ही फोनच केलेला नाही पण त्याने ऐकलं पाहिजे ना एवढे छाना कोण आहे तुमच्या पैकी छाना कोण आहे जाताना ना पुढे परत एक नाकाबंदी लागेल ग्रुप न चालू नका टार्गेट असत तू सर्व गाड्या एक कटल सर्व लावून तुमच्या गाड्या टार्गेटला जा तो गाइस सर आई मीन तिकडून पण लावले तिकडून पण लावले समजलं अरे नको ना काका काही तुम्ही करता घरीचे माणसं आहेत ना यार अरे तसं नको बाबा थोडं समजू ना बोल पटकन अरे जाऊ दे ना काका अरे जाऊ दे येडाय का नाही बाबा एवढं टाइम मी थांबवलं मला काहीतरी फायदा पाहिजे सांग बोल पटकन एक फाईन घे पटकन घ्या बोला पटकन यार माणसं बघताय मग तिकडे कुठे पण थांबवणार ना अरे पावती देतोय ना ज्या गाडीची मी थांबवली ना ती पावती दे ती त्या गाडीला फाईन मारलं तर तिच्यावर पावती तिला काही टेन्शन नाही पण मी तुम्हाला जशा प्रकारे सांगितलं तशा प्रकारे जा नाही तर सर्व पकडले जाते किती फाईन होणार आहे गाडीचा 1,500 एवढे तर पैसेच नाही घेऊन गेलो होतो ना आम्ही अरे साईड वर ना यार तू काय बिचो घुसर हा काका तसं नाही चालणार बहीण घे अरे 1,000 रुपये भरतो अरे एवढे लोक करा ना 1,000 रुपये भरतो का सांग लवकर मी तुम्ही चाय पाणी घेऊन घ्या थोडं अरे चाय पाणीचं पावती देणार मी तुला क्लिअर कट या गाडीला काहीच होणार नाही पूर्ण महाराष्ट्रात या उद्या या टाइमपर्यंत ए बाकी जा रे तुम्ही एवढे जा ए तुम्ही जा रे ज्याच्या गाडीची चावी तुम्ही निघा पुढे जा जा रे जय जिसको जाने बोलाओ जाओ तेरे को भी जाने बोला ना जाना ए जाना भाई त्याची चावी तुम ना ते वाले थांबा आणि बाकी जाऊ दे ते गर्दी होणार ना अरे ती आहे
चार पाइने सॉरी पांच सौ सात सौ दो सौ जप्ती रेड पेन ये देख ले कोई भी देख ले नवी मुंबई में ये गाड़ी कहीं जा रही थी वो फर्स्ट ओनर ने भरा ही नहीं होगा लेते समय ना जैसे 2 लाख की गाड़ी ना तेरे को 50,000 में दिया है तो आदमी ये पहले चेक करना है आरटीओ से या ट्रैफिक से ट्रैफिक वाले ये देख ये गाड़ी हाँ ना वही तो लेके घूम रहे थे सारे फोन करके बोलते फाइन भरा अरे ये जप्ती है जप्तीला गाड़ी है त्याला मान तुझे लेडीज है तो फोन लास्ट अरे नंबर प्लेट आता तो ऑनर दूसरा है हाँ ऑनर दूसरा है या ना ये चमर रिजन टाकली थी क्या ना वो जो पहले हाँ पहले यही वाला था ना और जब्ती का टाकली थी अभी सांगतो मैं गाड़ी का खारगर ये फर्स्ट ओनर था जैसे सगळा आणि ये तेरे को ही निपटाना पड़ेगा नहीं तो वो तो कुछ नहीं मैं जब्ती का टाकली मग ये जे काही रसीद नाही बनू सबडे फाइन जैसे मी देतो ना भर रसीद तू भर लगेच मैं रसीद देतो मी भर नाही पडेगा करतो तो किती फाइन आहे टोटल का किती फाइन आहे टोटल ये देख 500 1700 1919 रुपये फाइन आहे आणि ये तो महिने ऐसे अंदाजे चेक किया बाकी गाडी का चेक ते माझे गाडीचे चेक करा ना DN09M तेरा पता लग गया तेरे गांड की मुझसे कितना काला है वो देख लिया अभी चुपचाप बैठ हाँ बता वो नंबर DN09M एकदम मजा तो फाइन DN09M 56 55 55 ये देख इसके ऊपर 1 रुपया फाइन है सर मेरा भी देख लो अरे अपना क्लियर ही है अपना डीएन वाला सब क्लियर ही है हाँ बता सर क्या डीएन जीरो ये वगैरह दे ले डीएन जीरो नाइन दीप को भी फोन भी नहीं उठाता ये डीएन जीरो नाइन अब तो जाते हैं यूएसए में है ना डॉक्टर है पी 0987 हाँ डॉक्टर है लेकिन तेरा चला गया नहीं गया ना इसके ऊपर भी नहीं अगर तो मोटू गाड़ी जब्ती नहीं काका तुम्हें सामने ये बेस कर ला तू फंसेगा लेके क्या करना क्या करूं भरना तो अपने को ही पड़ेगा थोड़ी भर के देगा अभी एक काम कर काका यार तू भरेगा नहीं क्लियर कट बता रहा हूं तो आपले लंडन मध्ये आहे हम मग ते तिकते चे घालू एक काम करू भरून टाक एक डॉक्टर ओके तेरे को फसा तू क्या करू मी तुला काय सांगतो याच्या अशी कहाणी आहे याच्यावर 700 रुपये 500 रुपये तू 1000 रुपये भरतो 1000 रुपयाचे 2 केस भरू शकतो फोन पे गुगल पे सर्व चालतं हे बघ तुझ्यामुळे सर्व चालले लागले बघ बोल पटकन तुमचे एवढे टाइम मी वेस्ट करत नाही हे मग निघून चाल ना बघा हा याच्यातला निघाल मग ती जप्तीचं नाही निघू शकत ठीक आहे जप्तीचं काय करायचं पडेल तर तिथंच खारघरलाच करायला लागेल तुला हॅलो त्याच पोलीस स्टेशनला तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो हमारा फाइन फट चुका है 1700 रुपया का ये ड्यूक का तो ये सर हमारे हैं महेंद्र आनंद सर पाटिल सर ना तो पाटिल सर थैंक यू सो मच सर ये गाड़ी हमारे भाई ने की थी सेकंड हैंड परचेज तो ये गाड़ी पे जब्ती का ऑर्डर था और हमें पता ही नहीं था बट थैंक यू सो मच सर कि आपने बता दिया हमें अच्छा वाक यार हमें पता चल गया कि गाइस ये गाड़ी पे इतना सारा चलान था ये गाड़ी पे कम से कम 2 या 3 हज़ार का चलान था और गाड़ी जब्ती में थी और हमें पता ही नहीं था कि अच्छे से चेक करा लिया हम लोग ने तो हमारे सर थैंक यू सो मच आपको और ये बच्चे लोग मजे ले रहे थे हमारी पन चलेगा ना पता तो चला चला काका भेटू तो चलो गाइस हो गया अपना तो चोई मेरा ग्लव्स किधर गया तो चलो गाइस यार जाने दे अपने भाई लोग उधर थे अभी चलो निकलते हैं तो सीन हो गया था गाइस बस चलो सर थोड़े कोऑपरेटिव थे तो अच्छे से बात हो गई
ये भाई का 1700 का चलान हो गया। ओए मेरा गाड़ी का चाबी। अरे पुलिस ने पकड़ लिया तो डर गया क्या, ऐसे क्लच छोड़ दे रहा है। तो चलो अपने भाई लोग उधर पे है गाइस, हमें तो छोड़ दिया था पहले बट अपने भाई लोग को रोक लिया था तो हम लोग जा नहीं सकते थे इसलिए हम लोग भी रुके। और गाइस चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आगे, भाई लोग को मिलते हैं। अपने ये इतने भाई लोग को रोक लिया था और आगे है तो अरे वो तो कैसा पता, पहले से उसके गाड़ी पे चलान था वो भर दिया है साहब, कम पांच फाइन है गाड़ी पे पहले से। वो जब अंधेरी अंधेरी में गाड़ी था ना तब से रुका रहता ना, कुछ नहीं होता, ये भाग गया ना भाई। अरे उधर भाई रुकने का ही नहीं, अरे नहीं पर अभी ये लोग रुक गए तो कैसा भी रुकना ही पड़ता है ना। क्या बात कर रहा है, कितना कितना देर करके रखा है गाड़ी को। अरे तेरा फाइन तूने भरा नहीं होगा ना इसलिए, मेरे को बताता तो ना, मैं अभी ये चेक करके बताया, बोला तेरे पे बहुत फाइन है, उसने मेरा फाइन लिया ही नहीं। 1900 का फाइन था तो 1700 लिया और 200 200 तो मैं उधर ही जाके जा जो कौन सा बोला अंधेरी अंधेरी में ही इसमें आया होगा, इसमें आया होगा आरटीओ ऑफिस। तो गाइस चलो यहाँ पे सब लोग भाई लोग आ गए हैं और आधे लोग चले गए लोग आगे, वो फाइन का फोटो मैं गिराया हूँ तेरे को दिखाता बाद में। उधर पे बाद में जाके गाइस ये ब्लैक लिस्ट में गाड़ी हो चुकी है, अभी इसको व्हाइट लिस्ट में करनी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं गाइस, कुछ नहीं आगे मिलते, देखो मौसम देखो कितना प्यारा और भाई का कट चुका 1700 का चलान। तो चलो चलते हैं, ये लग रहा है ये यहाँ तक का लोग काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से आपको खाली त्रिम्बकेश्वर घाट तक का ही रास्ता दिखाएंगे, फिर वहां से